मॉर्निंग ब्यूटिफुल पीपल, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गूंजी। गूंजी में ये हमारा होमस्टे है और इस होमस्टे में 800 रुपीज़ पर बेड पर पर्सन हमने दिया है, जिसमें रुकना और खाना इंक्लूडेड है। उसके बाद मैं अपना पीलीभीत से निकला था सोलो, सिंगल। बट ये भाई मेरे को पीलीभीत से लगभग 40 किलोमीटर आगे खटीमा लगता है, इन्होंने वहाँ से ज्वाइन किया। इस भाई ने हमको लगभग लोहा घाट, जो कि पीलीभीत से 70 किलोमीटर है, इस भाई ने हमको वहाँ से ज्वाइन किया। और ये है अपनी बुलबुल। और इस एरिया की, गूंजी की, मैं खास बात बताऊँ, ये टाइम पीरियड है, आज डेट क्या है, और पीलीभीत में ना हमारा टेम्परेचर पीक नून टाइम में जाता है लगभग 40 डिग्रीज। फॉर रेफरेंस, आज है 14th of May और यहाँ का जो टेम्परेचर जो मैं फील कर पा रहा हूँ वो होगा 2 से 5 डिग्री के बीच में। और इस एरिया की, गूंजी की, सबसे प्यारी, सबसे खास बात है ये ब्यूटीफुल, भाई ब्यूटीफुल, मजा आ गया। और देखो, पहाड़ों में आप कहीं भी आओगे तो एक प्यारी चीज आपको और मिलेगी, वो है यहाँ के कुत्ते। ये भाई, इट इज हार्ड टू बिलीव कि मई में लेह लद्दाख के अलावा केवल और केवल मुश्किल से मुश्किल 17 घंटे की ड्राइव पे ऐसी पावरफुल प्लेस है, जहां पे इस सीजन में ग्लेशियर आप देख सकते हो, उसको जाके आप छू सकते हो। सामने मस्त ग्लेशियर आ रहा हुआ, बीच में से आपकी रिवर बह रही है और रिवर ने ग्लेशियर को काटा है। एक ग्लेशियर का पार्ट इधर है, एक ग्लेशियर का पार्ट इधर है। ब्यूटीफुल मैन। और ये हम जा रहे हैं इस समय आदि कैलाश के लिए। 40 किलोमीटर हमको कवर करना है, जिसमें से हमने ऑलमोस्ट 9.9 ना, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है। थोड़ा सा ही चलने के बाद ये देखो, बढ़िया सा ग्रासलैंड है, बुग्याल टाइप आपको फील दे रहा है। और इस बुग्याल के ठीक ऊपर ये माइटी हिमालयस, खतरनाक, शानदार, धमाकेदार, जानदार, मजा आ गया भाई। मिट्टी में दबा हुआ ग्लेशियर देखो यार, अब उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ना, बिल्कुल पत्थर की तरह बता रहे हैं वो। बढ़िया यार, मस्त, मजा आ गया भाई। आदि कैलाश यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर होगा या फिर 10 किलोमीटर होगा, बट यहाँ से मैंने एक स्पेशल चीज को स्पॉट किया है। दो स्पेशल चीजें हैं, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाता हूँ भाई। दो नहीं, तीन स्पेशल चीजें हैं। देखो, पहली स्पेशल चीज है यहाँ का लैंडस्केप, यहाँ का टेरेन। ये पहाड़ देखो भाई, कितना प्यारा है। और अगर आप कहो कि ये पहाड़ प्यारा है तो ये सब क्या है, वो सब क्या है, वो दूसरी जो प्यारी चीज है वो है ये छोटी सी स्नोबॉल। यहाँ पे हमारी दोनों बाइक्स हैं, ये मेरी बुलबुल, वो है एमटी। ये छोटा सा ग्लेशियर का पैच है, टच करके मैंने देखा काफी हार्ड है ये। और जो फाइनल ऑसम मोस्ट चीज है, यहीं से, अगर मैं गलत नहीं हूं, वो आदि कैलाश का पर्वत है। एल्टीट्यूड हल्का सा ज्यादा है तो सांस उखड़ रही है मेरी, यहां बोलने में बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ मैं फील कर पा रहा हूँ डिफरेंस है। जब हम नीचे थे ना तो बर्फ के पहाड़ हम ऐसे करके देख रहे थे, ऐसे करके हम यकीन नहीं कर पा रहे थे कि हम उस एल्टीट्यूड पे भी जा सकते हैं, और अभी हम उसी एल्टीट्यूड पे हैं। दुग-दुग हो रही है अब मेरी कि आगे जाके कितनी हाइट मिलेगी, कितनी स्नो मिलेगी। और भाई, जब जब मैं कैलाश पर्वत को देखता हूं, ओम पर्वत को याद कर रहा हूं, मेरा दिल भर आ रहा है, आंखें मेरी भर जा रही है, पता नहीं मैं आगे की एनर्जी को कैसे एब्जॉर्ब कर पाऊंगा। जब अपनी इस बाइक ट्रिप की स्टार्टिंग करी थी
तो मैंने सोचा था कि मैं मोटो व्लॉग करूंगा, बट जो अटैचमेंट जहां पे मैं अपना फोन माउंट करता जो हेलमेट में लगता है टूट गया, जुगाड़ बनाई फेल हो गई। मैंने कहा खाली फोटो फोटो खींचेंगे, बट यहाँ का लैंडस्केप देख के ना दिमाग खराब हो रहा है मेरा। फोटो तो मैं खींच ही रहा हूं, अब इस लैंडस्केप की ब्यूटी को वीडियो के जरिए जस्टिफाई करना मैंने जरूरी समझा। अब मोटो व्लॉग नहीं कर सकता तो एक कंटिन्यूएशन में, एक मूवी के स्टाइल में मैं दिखा नहीं पाऊंगा, तो मैं जगह जगह पॉज ले रहा हूं, जगह जगह वहां की सराउंडिंग्स, वातावरण, एनवायरमेंट को मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी क्या दिखाना है, स्पेशल क्या है, यहां पे बता रहे हैं बोले गणेश नाला करके एक वाटर क्रॉसिंग है, वो वाटर क्रॉसिंग मेजर बता रहे हैं। सुबह का 8 हो रहा है तो अभी ग्लेशियर मेल्ट जो हो रहा है ना उसकी इंटेंसिटी कम है, पानी कम है, तो यही सही समय है इस नाले को क्रॉस करने का। अगर दोपहर के 2 बजे क्रॉस करोगे पानी डबल होगा। देखो यार, ये है अपनी तीनों बाइक्स, N250 मेरी बुलबुल, NS200 और ये है MT15। नाला आप लोगों को मैं दिखाऊं, जो वाटर क्रॉसिंग है वो मैं आप लोगों को दिखाऊं। वाटर क्रॉसिंग है अपनी भाई, ये यहां यहां से ये पैच स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा वहां तक, और यही ग्लेशियल स्ट्रीम यहां नीचे को आ रही है। बढ़िया, अभी भी एक लास्ट चीज बची है जो नहीं दिखाई है, ग्लेशियल स्ट्रीम। भाई साहब कहां से आ रही है ये ग्लेशियल स्ट्रीम? आ रही है वहां से, ब्यूटीफुल यार, लाजवाब। हर हर महादेव। अब मैं साइड बाय साइड यहां से जा रहा हूं ना, पता है क्यों? ताकि उधर भाई को जो वहां पे पहुंच चुके हैं उनको अपना फोन दे सकूं, और जब मैं इसको क्रॉस करूं वो मेरे को रिकॉर्ड कर सकें। ये ऊपर की जो टॉप मोस्ट लेयर है ना पानी की, वो आइस है, आइस आइस बनी हुई है। अभी देखो जो गणेश नाला था ना अपना, वो कहाँ है ब्राइटनेस में, कहाँ है, ये है गणेश नाला एग्जैक्टली। अब इससे हम थोड़ा ऊपर बढ़ के आए हैं तो यहाँ से मैं समझ पा रहा हूँ उस ग्लेशियर को ज़्यादा अच्छे तरीके से, जो गणेश नाला, जहाँ से गणेश नाला का पानी आ रहा है वो ग्लेशियर है ये। ये एकदम फुल क्लैरिटी में दिख रहा है भाई, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है मेरी आईज और इसके बीच में, और कैमरा तो खाली 10% बताता है यार। मजा आ गया। और ये सब जो स्नो के पैच है ना, ये वाला यहाँ पे स्नो की डेप्थ होगी 20 फीट, 30 फीट, कितनी भी हो सकती है, क्योंकि जोजिला में जब वो रोड बनाते हैं ना बीआरओ वाले, तो स्नो वॉल इतनी तगड़ी कट के आती है ना स्नो के बाद, स्नो वॉल इतनी तगड़ी निकल के आती है कि ट्रक मैच बॉक्स की तरह लगता है। 20-22 फीट की स्नो वॉल तो मैंने वहां देखी है यार। अभी हल्की हल्की बोलने में ना हल्का हल्का सांस उखड़ रही थी, तो मैं समझ तो गया था कि भाई एल्टीट्यूड लग गया है, बट यहाँ पे एक बोर्ड है उसको देख के एग्जैक्टली मेरे को पता चला 4600 मीटर की हाइट है ये, और यहाँ से जो अपने आदि कैलाश हैं, भगवान आदि कैलाश, उनके दर्शन मेरे को हो रहे हैं, और 360 में बहुत प्यारा, बहुत सूदिंग हमारे दर्शन हो रहा है। रेफरेंस के लिए बताऊं, दिस इज मे स्टार्टिंग क्या मिड में आ गया यार, ये है माउंट आदि कैलाश। आगे जाएंगे फ्रंट व्यू हमको दिखेगा, यहाँ पे आर्मी वाले हमको बता रहे हैं, और यहाँ से दिखने वाला नज़ारा ब्यूटिफुल, मैस्मराइजिंग। और सामने जो पर्वत है ना उसका नाम पांडव पर्वत है, एक पर्वत बताया गया, सर ने बताया हमको पार्वती मुकुट, और अगर आप टॉप पे देखोगे ना तो कुछ वैसी मुकुट टाइप आप देख सकते हो, कुछ वैसी लग रहा है। बढ़िया भाई, और एक प्यारी सी
लास्ट में चीज तो मैं दिखाना ही भूल गया, प्यारा सा वो रास्ता जिस पे चल के हम आए हैं, ये है हमारा रूट वो जाता।